हाउ साइक्लोन आर फॉर्म्ड, साइक्लोन बनते कैसे हैं, तो वाटर टेक्स अप हीट, जो वाटर है ओशन में वाटर है वो गर्मी उसके ऊपर पड़ती है, जब हीट पड़ती है ओशन में भी है और वाटर बॉडीज जो भी हैं ज़मीन के ऊपर, तो वहाँ से वाटर हीट लेता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से टू चेंज इनटू वेपर। वाटर अगर गर्मी पड़ेगी तो वाटर का क्या होगा, वेपर में चेंज होगा। बाहर एक बाल्टी पानी रख दो, गर्मी इतनी पड़ रही है वो वेपर में चेंज हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से हीट लेके वो वेपर में चेंज हो जाता है। व्हेन वाटर वेपर चेंज बैक टू लिक्विड, जब वाटर वेपर ऊपर जाती हैं तो ऊपर जाके वो थोड़ा कूल डाउन हो जाते हैं, कूल डाउन होकर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और बादल बन जाते हैं, फिर रेन ड्रॉप्स के फॉर्म में वापस आ जाते हैं। इसके बाद होता क्या है, तो जो हीट है वो रिलीज होती है टू द एटमॉस्फेयर। देखो गर्म हवा है वो उसने ही वाटर को ऊपर उड़ाया है वेपर के फॉर्म में, अब वो वाटर तो कूल डाउन हो गया तो टेम्परेचर वहाँ तो हो गया ठंडा और नीचे हो गया गर्म। तो हीट जो रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, तो उन्होंने जो हीट रिलीज हुई है उसने एटमॉस्फेयर को गर्म कर दिया है, और द एयर टेंड टू राइज एंड कॉज ए ड्रॉप इन द प्रेशर। तो एयर देखो गर्मी पड़ रही है तो एयर गर्म होगी, गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, वो जहाँ से एयर ऊपर उठी है वहाँ तो खाली हो गया तो वहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, तो वहाँ पर ज़्यादा एयर रश करेगी। देखो ज़मीन पर जहाँ पर गर्मी पड़ रही है तो वहाँ पर जो हवा चल रही है वो गर्म हो रही है, गर्म हो रही है मतलब हल्की हो रही है, हल्की हो रही है तो मतलब ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है तो मतलब जहाँ से वो उठी है वहाँ पर प्रेशर कम होगा क्योंकि वहाँ पर एयर कम है। अगर एयर कम है तो जो आसपास की एयर है वो फिर वहाँ पर मूव करेगी, तो मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। दिस साइकिल इज रिपीटेड, अब ये साइकिल रिपीट होती चली जा रही है। द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ ए वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद ए वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट, साइक्लोन बनता कैसे, जैसे कि एयर ऊपर जा रही है हीट के साथ, ठीक है, दूसरी जो आसपास की एयर है उस जगह को फिल करने की कोशिश कर रही है, फिर वो गर्म हो रही है ऊपर उठ रही थी, साइकिल रिपीट हो रही है। तो एक ये चेन ऑफ इवेंट जो है इसको एंड होती है विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर, नीचे तो वेरी लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है जिसे कवर करने के लिए आसपास वेरी हाई स्पीड की विंड रिवॉल्व कर रही है अराउंड इट, इसका रिजल्ट हो रहा है साइक्लोन बन रहे हैं। मतलब जितनी तेज़ी से ऊपर उठ रही है उतनी तेज़ी से नीचे से वैक्यूम क्रिएट खाली क्रिएट हो रहा है, मतलब प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जितने तेज़ी से लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है आसपास हवा का प्रेशर उतना ही बढ़ रहा है, तो ये साइकिल इतनी जल्दी जल्दी रिपीट हो रही है कि वहाँ पर एक साइक्लोन क्रिएट हो जाता है।